संभल में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। अक्सर विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले ओपी राजभर आज संभल में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण वितरित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान ओपी राजभर ने कहा कि देश की 130 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है, जिसे रिफाइन करने में वक्त लगेगा। विपक्षी पार्टी के नेताओं के गठबंधन को ओपी राजभर ने दगे हुए कारतूसों का गठबंधन बताया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बदलने पर पीलिया के श्राप के बयान पर कायम रहते हुए सफाई भी पेश की। दिव्यांगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के ओपी राजभर ने शिक्षा की नई थ्योरी भी पेश की। ओपी राजभर ने कहा कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है और अशिक्षित सियार की तरह होता है, जो कि दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सरकार की शान में कसीदे भी पढ़ते नजर आए।